Hello friends, in this video series we are talking about the fundamental unit of life, cell. In our previous videos we have already talked about what is cell, what are the discoveries of cell, what is the ultrastructure of cell, structure of plasma membrane, structure of cell wall, structure of nucleus and also the structure of endoplasmic reticulum. In this class we mainly discuss about the another important cell organelle of eukaryotic cell, that is Golgi apparatus. चलिए देखते हैं what is a 3D structure of Golgi. Here we have 3D model of Golgi apparatus. Have a look. यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि Golgi apparatus भी है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह ही मेम्ब्रेन से बना फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर है. इसके पास सिस्टर्नी भी होंगे और लार्ज और स्मॉल वैक्यूल्स भी होंगे. सो देखते हैं कि क्या है स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस. यहाँ पे हमें फिगर दिख रही है. सेम फिगर में भी हमें कुछ फोल्डेड फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसे हम बोलेंगे सिस्टर्नी. ठीक है, बीच में जो गैप है सिस्टर्नी के बीच में फोल्ड में जो गैप होते हैं उसे ल्यूमन बोला जाता है. हम देख पा रहे हैं कि कुछ येलो कलर की ट्रांसपोर्ट वेसिकल आ रही है. अब ये जो ट्रांसपोर्ट वेसिकल है वो मेनली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आती है. ठीक है, और कुछ गोल्गी कॉम्प्लेक्स कुछ वेसिकल खुद बना रहा है. ठीक है, न्यूली फॉर्मिंग वेसिकल. तो जो येलो कलर की वेसिकल है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है. ठीक है, और जो ग्रीन कलर की नई वेसिकल बन रही है वो कौन बना रहा है? गोल्गी एपरेटस बना रहे हैं. ठीक है, तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है. ओके, तो सबसे पहले ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वेरी फर्स्टली डिस्कवर किया था कैमिलियो गोल्गी ने इन 1898. जब कैमिलियो गोल्गी आउल के नर्व सेल को ऑब्जर्व कर रहे थे, एग्जामिन कर रहे थे, तब उन्होंने ये गोल्गी एपरेटस सबसे पहले देखा था. मेनली ये जो गोल्गी एपरेटस है वो सारे यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है, बट मैमल्स के मैच्योर आरबीसी में गोल्गी एपरेटस एब्सेंट होता है. और सेम वे सारे प्रोकैरियोटिक सेल जैसे कि बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर भी गोल्गी एपरेटस एब्सेंट होता है. तो देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी एपरेटस. सबसे पहले गोल्गी एपरेटस जो है, जैसे पहले बताया, इज अ मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर which is formed of interconnected stacks of flattened membrane sac called cisternae. ये जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है जो कि इंटरकनेक्टेड स्टैक से बनेगा जिसे हम बोलेंगे सिस्टर्नी. यहाँ पे फिगर में हमें जितने भी ग्रीन कलर के फोल्ड दिख रहे हैं वो क्या है? सिस्टर्नी है. राइट, अब नेक्स्ट देखते हैं कि सिस्टर्नी के अलावा गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास क्या क्या होगा. ठीक है, तो बिसाइड सिस्टर्नी गोल्गी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो बी अ लार्ज एंड क्लस्टर ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स. उनके पास लार्ज एंड स्मॉल वैक्यूल्स होंगे और कुछ स्मॉल वेसिकल्स भी होंगी जो हमें फिगर में दिख रही है. ठीक है, ग्रीन कलर की वेसिकल्स हमें फिगर में दिख रही है. तो बेसिकली गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज नथिंग बट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर विच हैज सम लार्ज और स्मॉल वैक्यूल एंड स्मॉल नंबर ऑफ वेसिकल्स. राइट, प्लांट के अंदर गोल्गी कॉम्प्लेक्स जो होगा वो अनकनेक्टेड सब यूनिट से बना होगा. प्लांट सेल के अंदर जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होंगे वो बहुत सारे सब यूनिट से बने होंगे जिसे हम मेनली बोलेंगे डिक्टियोसोम. सो ये फिगर में हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमें कुछ इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल दिख रही है. ठीक है, दिस आर द इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल. अब ये वेसिकल जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आ रही है. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने ये वेसिकल को बर्ड ऑफ करके भेजा है. मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने जो भी प्रोटीन और लिपिड को सिंथेसाइज किया होगा वो ये इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल के थ्रू गोल्गी एपरेटस के पास आएगा. गोल्गी एपरेटस का जो सिस फेज है, जो सिस फेज होगा, here the cis phase of Golgi apparatus receive the incoming transport vesicle from endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum से जो incoming transport vesicle है वो Golgi apparatus के cis phase के पास आएगी. cis phase में वो merge हो जाएगी. जैसे ही ये incoming transport vesicle Golgi में enter करेगी, Golgi के cisternal में, lumen में इसके अंदर का जो भी प्रोटीन होगा और लिपिड होगा वो मॉडिफाइड होना, पैक होना स्टार्ट हो जाएगा. जैसे ही फोल्डिंग एंड पैकेजिंग हो जाएगा इनसाइड द ल्यूमन ऑफ गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ये पैकेज्ड मटेरियल, प्रोटीन या फिर लिपिड जो भी होगा, ये पैकेज मटेरियल गोल्गी कॉम्प्लेक्स के ट्रांसफेज से बाहर आएगा. ट्रांसफेज जो होगा गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, वो नई वेसिकल बनाएगा जिसे हम बोलेंगे सिक्रीटरी वेसिकल. थ्रू सिक्रीटरी वेसिकल जो भी मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ प्रोटीन या लिपिड होगा वो गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगा और उसको जहां भी जाना होगा वहां पे वो मूव कर, राइट. ओके, तो यहाँ गोल्गी कॉम्प्लेक्स के पास हमें दो फेज दिख रहे हैं, सिस फेज एंड ट्रांस फेज. सिस फेज जो होगा वो इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल को रिसीव करेगा और ट्रांसफेज के थ्रू ये सिक्रीटरी वेसिकल जो भी होगी वो वापस गोल्गी कॉम्प्लेक्स से बाहर निकलेगी. जैसे हमारे सोसाइटीज में होता है या फिर एक एंट्री गेट होता है, एक एग्जिट गेट होता है. एक गेट से हम एंट्री ले सकते हैं, दूसरे गेट से हम एग्जिट ले सकते हैं. सेम वे गोल्गी के पास एक सिस फेज होगा जहाँ से इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसिकल आएगी और उनके पास दूसरा ट्रांसफेज होगा जहाँ से सिक्रीटरी वेसिकल बाहर निकलेगी. So here is the cis phase and trans phase. तो गोल्गी apparatus के पास जो convex forming phase होगा और दूसरा concave maturing phase होगा. ये concave convex जो phase होगा वो गोल्गी incoming transport material को receive करेगा और जो maturing phase होगा वो secretory vesicle को release तो करेगा, साथ साथ में वो lysosome को भी release करेगा. So here there is one important point that lysosome is a produce from Golgi apparatus. So here is the time to discuss the functions of Golgi apparatus. Golgi apparatus help in secretion of mucus, enzyme and hormone. ये जो Golgi apparatus है वो mucus, enzyme और hormone को secrete कर सकते हैं. The material synthesized in endoplasmic reticulum is transported to various targets inside and outside the cell through the Golgi apparatus. जो भी मटीरियल endoplasmic reticulum synthesize करते हैं वो सेल के अंदर या सेल के बाहर अगर भेजना हो तो वो थ्रू Golgi apparatus ही भेजा जा सकता है. Next, it help in storage and modification and packaging of secretory product in vesicle. वेसिकल के अंदर जो भी सिक्रीटरी प्रोडक्ट होगी यानी कि लिपिड एंड प्रोटीन होंगे, उनका स्टोरेज, उनका मॉडिफिकेशन और उनका पैकेजिंग जो होगा वो गोल्गी एपरेटर्स में होगा. इन सम केस गोल्गी एपरेटर्स आल्सो हेल्प इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स शुगर फ्रॉम सिंपल शुगर. कोई कोई केस में गोल्गी एपरेटर्स जो होगा कुछ कुछ सेल के अंदर वो कॉम्प्लेक्स सिंपल शुगर को मर्ज करके कॉम्प्लेक्स शुगर भी बना सकता है, जैसे ग्लूकोज को मर्ज करके ग्लाइकोजन बनाएगा. नेक्स्टली गोल्गी एपरेटर्स आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम. गोल्गी एपरेटर्स जो है वो लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करेगा. इट इज आल्सो इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाना है या सेल वॉल बनाना है, उनके सिंथेसिस में भी ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व रहता है. इफ यू लाइक द वीडियो काइंडली हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल. थैंक यू.